आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Realme 12 Android मोबाइल फोन में अगर आपके WhatsApp की इनकमिंग कॉल अगर स्क्रीन के ऊपर शो नहीं होते तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने फोन को एक बार रीस्टार्ट करना है। अगला काम ये करना है कि आपके फोन में ये फाइल का ऐप होता है, इस फाइल के ऐप को ओपन करना है। इस फाइल के ऐप में आपको नीचे ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। अब अगले पेज में आपको सबसे ऊपर सिस्टम ऐप जो लिखा हुआ है, सिस्टम ऐप पे टैप करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक पेज आएगा, ठीक है ना। इस वाले पेज आपको नीचे एंड्रॉइड सिस्टम का ये ऑप्शन टैप करना है। अब इसके अगले पेज में आपको जो है ना नीचे स्टोरेज का ये ऑप्शन टैप करना है। अब इसके अगले पेज में आपको नीचे क्लियर कैच पे टैप करना है, तो कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है। अगला काम करना है क्या, आपका जो व्हाट्सएप है ना, आपको अपने व्हाट्सएप को उंगली से दबा के रखना है। तो आपका एक छोटा सा पेज ओपन होता है, इसमें ऐप इन्फो का ये ऑप्शन टैप करना है। तो आपका व्हाट्सएप का ऐप इन्फो का पेज आता है, इसमें आपको नीचे स्टोरेज पे टैप करना है। अब अगले पेज में सिर्फ आपको क्लियर कैच पे टैप करना है, तो कैच के सामने डेटा जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगला काम ये करना है कि मोबाइल फोन में ना आपको प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। ठीक है, प्ले स्टोर में आपको जो है ना सबसे ऊपर की साइड में सर्च बार का ये ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में व्हाट्सएप लिख के सर्च करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको जो है ना व्हाट्सएप लिख के इस तरीके से सर्च कर लेना है, तो आपका सामने व्हाट्सएप आएगा। देखिए व्हाट्सएप के सामने अगर आपको ये अपडेट का बटन दिखाई देता है, तो इस अपडेट पे टैप करके व्हाट्सएप को अपडेट करना है। ठीक है, अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते ना, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, सबसे ऊपर सर्च बार पे टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। ठीक है, नीचे आपको ये ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। अगले पेज में आपको इरेज ऑल डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है। नीचे आपका पेज आता है, इसमें इरेज डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फोन जो रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखना है, आपके फोन में जितना भी डेटा है उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखना है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रख लेना है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है। ठीक है, तो मेरे बताए हुए तरीके आपको यूज करने से आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। ठीक है।